Hello students, let's understand this question now. A heavy iron bar of weight W is having its one end on the ground and the other on the shoulder of a man. The rod makes an angle theta with the horizontal. What is the weight experienced by the man? Okay, so let's write down what we have been given and understand this question. Hame diya hai ki there is an iron bar jiska weight hai W aur wo ground se इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ थीटा. ओके, एक एंड उसका ग्राउंड पर है और दूसरा एंड उसका एंड जो है उसका वो है किसी आदमी के शोल्डर पे. तो हमें पता करना है कि वो जो मैन है वो कितना वेट एक्सपीरियंस करेगा उस रॉड का. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन एंड ड्रॉ दिस कंडीशन इन एन एफबीडी. अगर मेरे पास एक रॉड है, इफ आई एम हैविंग अ रॉड लाइक दिस which is at an inclination theta with the horizontal. The angle of inclination here is theta. Okay, it will experience W here at the center of mass. As it is on the shoulder of a man, तो यहाँ पर इसको एक normal मिलेगा ऊपर N1. ठीक है, और यहाँ से ground से एक normal मिलेगा N2. अच्छा, अब आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर दिया है कि जो ये रॉड है वो रोटेट नहीं कर रहा है, तो एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, तो हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं. आप देखेंगे N2 का जो टॉर्क है वो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा. W का जो टॉर्क है वो भी इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा, और N1 का जो टॉर्क है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा. तो हम लिख सकते हैं, अगर N2 के अक्रॉस लिखता हूँ तो N2 × 0 प्लस W इंटू L/2 माइनस N1 × L इक्वल टू जीरो. ये W के साथ L/2 क्यों आया ये देख लेते हैं. अगर इसका लेंथ L है, इस रॉड का लेंथ जो है वो L हम मान लेते हैं टोटल लेंथ, देन सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड का कहाँ लाई करता है, एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2. ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन L/2. और N का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, N1 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है N2 से, वो कितना है, वो L के बराबर है. अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो व्हाट वी विल गेट, W इंटू L/2 इज इक्वल टू N1 × L. सो वी विल गेट N1 इज इक्वल टू W/2. यही N1 है जो मैन को एक्सपीरियंस होगा उसके शोल्डर पे. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वेट एक्सपीरियंस बाय मैन weight experienced by man will be equal to W/2, which is option D. Okay, thank you.